हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हांडी चिकन। इसमें सब कुछ हम समूट डालेंगे, साबुत मोटा मोटा काट के, और तरी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बन जाएगी। जब देख सकते हैं किस प्रकार ये बने हैं और अच्छे से चिकन भी गल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हांडी चढ़ा लेते हैं, इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, थोड़ा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा तेजपात, सभी प्याज डाल दिए हमने बड़ा बड़ा काट कर, और चार चार हिस्से करके टमाटर के डाल दिए, थोड़ी हरी मिर्ची भी दो दो बीच में से करके। अब इसमें साथ ही चिकन डाल देंगे, सब कुछ एक साथ डाल देना है। ये नहीं कि प्याज को पहले भूनो फिर टमाटर को, मसाले को, सब कुछ एक साथ। अब ये सब कुछ डाल के चला देते हैं, और फिर मसाले भी ही साथ ही डाल देने हैं, ना के भूनने के बाद मसाले भी तुरंत डाल देने हमें। सबसे पहले चिकन मसाला, फिर गरम मसाला, थोड़ी हल्दी, एक चम्मच धनिया, आप देख सकते हैं कितना सामान डालना है, लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें क्योंकि इसमें मिर्च नहीं होती इतनी। स्वाद अनुसार नमक डाल लें, फिर इसको अच्छे से चला दें। बस ध्यान रखें इसको मीडियम आंच में पकाना है, ठीक है। अब इसको ढकते, इसको बीच बीच में ढक ढक कर चलाते भी रहना है। इसको फिर से चला के दिखाते हैं, और जो टमाटर प्याज हमने साबुत डाले हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक के एकदम बेहतरीन तरी हो जाएगी इसकी, ना कि इसमें कचाट रहने का और ना ही ये साबुत रहने की। मीडियम आंच पे इसको पकाते रहना। फ्रेंड्स, हर रेसिपी का अपना एक तरीका होता है बनाने का। तो हांडी चिकन में अगर हम पीस के डालोगे ना तो अच्छा भून पाएगा वो, ना वो। तो इसमें हमने साबुत डाला है, हांडी में साबुत ही डलता है, और जब भी वो अच्छे से टेस्ट आता है, इसको बीच बीच में ढक ढक के पकाना है। इसमें हांडी में थोड़ा रोशनी नहीं जा पा रही अच्छे से, तो इसलिए पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ पा रही, वरना तरी बहुत बेहतरीन बनने लगी है, आप देख सकते हो। इसको ऐसे ही समय लगेगा, मीडियम आंच पे अगर पकाऊंगे आप तो टाइम काफी लगेगा, लेकिन आपको पकाते रहना। अब इसमें दही डाल देते हैं, पानी का उपयोग इसमें नहीं करना है, पानी जो गोश्त ने छोड़ा है वही। अब इसमें दही डाल देते हैं, दही के साथ पकाते हैं इसको। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरी बनी है। अब इसको फिर ढक के और फिर मीडियम आंच पे पकाते रहना। लगने का थोड़ा ध्यान रखना है, इसीलिए बीच बीच में हर दो तीन मिनट पाँच मिनट में इसको चेक करते रहना है, और मीडियम आंच पे पकाना है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये तैयार हो रहा है। खाने का मज़ा सफ़र तो करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो, अच्छे से पकाओ फिर खाओ। तो रेसिपी जितनी मीडियम आंच पे पकेगी उतनी लाजवाब होगी। तो आप देख सकते हैं फाइनली ये चिकन तैयार हो चुका है हमारा, और आपको तरी भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरी, कोई भी साबुत सामान इसमें नहीं बचा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड बाय।